अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी का नाम है मूंग दाल के भजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मूंग दाल के भजिए बनाना। हरी छिलके वाली मूंग दाल को हमने रात में ही भिगो के रख दिया था। आप चाहे तो 2-3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। उसका पूरा पानी निकालने के बाद हम उसे पीसेंगे। 4 से 5 लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्चियाँ डालेंगे हम इसमें। 1/2 स्पून जीरा, हरा धनिया, ये सब डालकर हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। एकदम बारीक नहीं पीसना है हमें। हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 2 स्पून जीरा धनिया पाउडर। जीरा धनिया पाउडर बनाने का मैंने वीडियो शेयर किया है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ 1 बड़ा प्याज और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे हम इसमें। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए आप भजिए को जिस शेप में चाहे उस शेप में बना सकते हैं। मैंने राउंड शेप में बनाया है, आप चाहिए तो बॉल के शेप्स भी बना सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे लगते हैं। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्के लाल हो जाए और थोड़े क्रिस्पी हो जाए होने तक ही हमें इसे फ्राई करना है। हमारे मूंग दाल के भजिए रेडी है। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी फ़ूड एंड लाइफस्टाइल की नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। हमारे चैनल का नाम है समीरा ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू।